एक बात आप मुझे बताइए, ये लोग जो मस्जिदों के बाहर झंडे लहराते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं? आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं मस्जिद के बाहर झंडा लहरा कर? अच्छा फटा पड़ा है, पैंट फटी पड़ी है, हाथ में झंडा लेके लहरा रहे हैं, भगवा भगवा। अबे तुम्हें संविधान की जानकारी तुम्हें नहीं है। 1400 साल से इस्लाम के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। इस्लाम तब नहीं मिटा तो अब कहाँ से यात्रा निकली? तो जहाँ जहाँ मस्जिद बीच में पड़ी, हमने वहाँ पर सिर्फ एक ही गाना चलाया कि भाई हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिफ खान। आज हमारे साथ मोहित शर्मा हैं। मोहित शर्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी हैं और सरकार से और उन अंधभक्तों से सवाल पूछना चाहते हैं जिन्होंने मस्जिद के बाहर जाकर के नारे लगाए और झंडे फहराने का काम किया। मोहित शर्मा उनसे आज ये पूछना चाहते हैं, मैं अभी आपको इनकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा, ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको झंडे लगाना है मस्जिद के ऊपर तो आप फिर, अगर आपको मस्जिद में इतना बार बार जाना है, कभी झंडे लगाने के लिए जाना है, कभी उसके अंदर मस्जिद में घुस करके पूजा करना है, कभी अजान के लिए मस्जिद में जाना है, तो मोहित शर्मा जी का कहना है कि आप फिर पूरे कन्वर्ट हो जाओ, आप पूरा इस्लाम धर्म को अपना लो, फिर पांचों वक्त मस्जिद में जाना, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन किसी एक समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए, देश का भाईचारा खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए आप मस्जिद में जाते हो, ये कहाँ तक तुम्हारी अंधभक्ति सही है? आज जिनसे मिलवाने वाला हूँ, ब्राह्मण समाज का लड़का है मोहित, पंडित जी हैं। पंडित जी का आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे साधु संतों के भेष में बने हुए लोग हैं जो वास्तव में साधु संत नहीं है, लेकिन पूरा भगवा चोला ओढ़कर तरह से रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे हैं कि बहुत बड़े साधु संत हैं और लगातार किसी एक समुदाय के लिए अपने मुँह से जहर उगल रहे हैं, ऐसे नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जो एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़े देश का माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग इन्हें जानते होंगे, ब्राह्मण समाज का एक इंटेलिजेंट लड़का जिसका नाम है मोहित शर्मा, उसने अंधभक्तों की बैंड बजाने के लिए आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, मोहित शर्मा की ये वीडियो पूरी देखना, हर एक सवाल का, इसके सवाल का एक भी सवाल के इसका जवाब नहीं दिया जाता है अनभक्तों से, बस उनसे क्या काम आता है, जय श्री राम, मस्जिद के बाहर जाके नारे लगाना, मस्जिद के ऊपर हमला करना, पथराव करना और फिर उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक बात आप मुझे बताइए, ये लोग जो मस्जिदों के बाहर झंडे लहराते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं? आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं मस्जिद के बाहर झंडा लहराकर? क्या दिखाना चाहते हैं? अरे आपको झंडे लहराने का इतना शौक है तो जाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर और देश का तिरंगा लहराइए। क्या जरूरत है हिंदुस्तान की मस्जिदों के बाहर भगवा लहराने की? ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो भाई हैं, हम आपस में भाई, अगर एक दूसरे के जो धार्मिक स्थल है उनके बाहर झंडा लहराएंगे तो हम तो आपसी स्वार्थ को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको मस्जिदों पर झंडा लहराना है तो आप लहराइए अफगानिस्तान की मस्जिदों पर, पाकिस्तान की मस्जिदों पर, हिंदुस्तान की मस्जिदों पर, आपका क्या मतलब है, क्या रोल है आपका? एक बात आप मुझे बताइए, ये लोग ऐसे लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि आगरा में एक घटना घटित होती है जिसमें आप ये देखिए, दो नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को फंसाने की साजिश की जाती है हिंदू महासभा के द्वारा, जिसमें एक का नाम रिजवान होता है, एक का नाम सानू होता है, ठीक है। आप एक बात सोच कर देखिए, गौ तस्करी का उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, अगर पुलिस ये सब चीजें सामने नहीं लेके आती तो आगरा में दंगा घटित हो जाता। तो ये दंगाई लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं है। कच्चा फटा पड़ा है, पैंट फटी पड़ी है, हाथ में झंडा लेके लहरा रहे हैं, भगवा भगवा। अबे तुम्हें संविधान की जानकारी तुम्हें नहीं है, तुम्हें देश की इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, तुम्हें GDP की जानकारी नहीं है, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, जवान सरहद पे शहीद हो रहा है, उसके बारे में तुम सोच नहीं रहे हो और तुम्हें इतने शौक है झंडे लहराने के भगवा। तो एक काम करो ना, अपने विश्वहिंदू परिषद को, बजरंग दल को और RSS वाले तीनों जरा मिलके चले जाएं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पर चाइना ने 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं, फिर मैं देखूंगा आपके पास कितनी ताकत है। आप यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जो उनकी मस्जिदों पर झंडा लहराते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आप एक बात मुझे बताइए, एक शोभा यात्रा निकली,
हमारे इधर हनुमान जी की यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती के अवसर पर मुसलमान भाई शरबत बांट रहे होते हैं, कुछ मुसलमान भाई फूल बरसा रहे होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं और सभी हिंदू लोग एक समान नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये तो कुछ दंगाई हैं जो रैली के अंदर घुसते हैं, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे फिर वो आपका क्या कहते हैं इसका हनुमान जयंती का जुलूस हो। और अभी आप ये देख लीजिएगा, कुछ लोगों के में इतने बड़े बड़े कीड़े हैं, ये कीड़े जो है ना ये सरकारी कीड़े हैं, ये सरकारी कीड़ा 500 रुपए में उत्पन्न होता है, 500 रुपए इनकी जेब में जाते हैं, बेरोजगार हैं, काम धंधा इनके पास है नहीं भैया, ये बेरोजगारी वाले कीड़े हैं, इनकी जेब में 500 का नोट सरकार डालती है, उसके बाद ये कीड़े कोई मस्जिद के बाहर झंडा लहरा रहा है, कोई मस्जिद के गुंबद पे चढ़ने की कोशिश करता है, और कोई मस्जिद के बाहर जय श्री राम चिल्लाता है। आप मुझे बताइए, आपने मदरसे को जलाकर क्या कर लिया? 1400 साल से इस्लाम के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है, इस्लाम तब नहीं मिटा तो अब कहां से मिटेगा? और मिटेगा भी क्यों? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बात में है। पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के नाते हम सब लोग भारतीय हैं। बात रही बिहार शरीफ की, तो हम लोग खुद, मैं आपको बता दूं मैं भारतीय भी हूं, और बड़ी दुखद होती है इस बात को देखते हुए कि वो लोग जो दंगा करते हैं, कोई भगवा गमछा डाले रहता है, कोई माथे पर तिलक लगाए होता है, फिर भी हम सभी की तरफ से माफी मांगने का काम करते हैं कि ये जो बहुत घटना है ये एक दुखद घटना है। इस घटना से यह रामनवमी का पर्व है, आराम से मनाइए। अभी आप देख लीजिएगा 14 अप्रैल अम्बेडकर साहब की जयंती है, देख लीजिएगा कितनी तलवारें लहरेंगी, कितने बंदूकें लहरेंगे, कुछ नहीं लहरता, लोगों के हाथ में किताबें दिखेंगी संविधान की, सब इंटेलेक्चुअल्स लोग चलेंगे। तो अब ये देखिए, हमारे उधर से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली, तो जहां जहां मस्जिद बीच में पड़ी, हमने वहां पर सिर्फ एक ही गाना चलाया कि भाई हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। इससे एक हिंदू मुस्लिम के बीच एक एकता का पैगाम गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूँ कि जब शोभा यात्रा निकलती है तो शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम बहनें हों, मुसलमान भाई हों या उनके छोटे छोटे बच्चे हों, सब लोग शोभा यात्रा को देखते हैं, और शोभा यात्रा को देखते हैं उसमें प्रसाद बढ़ता है, कहीं पे शरबत बढ़ता है, तो बच्चे पीते भी हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी धर्म में मार पिटाई, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं लिखा, ना हमारे धर्म में ये लिखा कि मुसलमान का गला काट दो, ना ही मुसलमान के धर्म में ये लिखा कि हिंदू का गला काट दो। अरे हम तो भाई हैं, हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तभी तो हम अमेरिका से लड़ पाएंगे, चाइना से लड़ पाएंगे। जो बजाया जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना, क्यों कहना है? हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान कहना होगा आपको, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। भारत में रहना, पहली बात हिंदुस्तान नहीं भारत बोलो उसको, भारत में रहना है तो आपको मैं बता दूं, ना तो आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा, ना जय हनुमान कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो जय संविधान कहना होगा। क्योंकि आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर का लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका नारा लगाना चाहिए जो आपको ये नारा लगाने की परमिशन देता है, यानी भारत देश का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको राइट देता है डेमोक्रेसी के अंदर धर्म निरपेक्षता का, अपने धर्म को मानने का। तो आप संविधान के जयकारे लगाइए, संविधान के नारे लगाइए। आप बताइए, ये जो झंडा है आप ये देख रहे हैं भगवा कलर, इसी कलर का झंडा होता है, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये भगवा कलर मुसलमानों का नहीं है? इस भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती पहना करते थे, ये मुसलमानों का भी है, जिसे मुसलमानों में ज़ाफ़रान कलर कहा जाता है, ये भगवा कलर संभाजी महाराज का भी है, ये भगवा कलर गौतम बुद्ध का भी है, ये भगवा कलर जो है सिख भाइयों का भी है, आप देखते हैं उनका झंडा भी इस कलर का है। ये तो ये समझते हैं हर चीज पर इनका कॉपीराइट हो गया। सुबह एक काम करे करो ना, सुबह एक काम करो, छतरी लेकर सूरज के आगे अड़ा दो कि भैया मुसलमान के घर में सूरज की रोशनी नहीं घुसने देंगे, ये काम कर लो ना आप, हर काम कर लो आप। ये लोग इतनी इस देश में इतनी नफरत पैदा कर चुके हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, तभी तो मुसलमानों को फंसाने के लिए खुद गौ तस्करी करते हैं और आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाते हैं। तो ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, सब अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं। 1398 बहुत इंटरेस्टिंग साल है भारत देश का, तैमूर एंटर्ड इन इंडिया, तैमूर भारत देश के अंदर आता है, आकर पूरे भारत देश को लूट कर चला जाता है। ये जाहिलियत भरे लोग हैं, इन्होंने ये सब चीज पढ़ी भी नहीं होगी, मैं इन्हें पढ़ा देता हूँ, जाहिल लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, पता कुछ है नहीं, तो इंटेलेक्चुअल चीजें बताइए जो आपको इंटेलेक्चुअल ऑडियंस भी देखे। 1398 तैमूर एंटर इन इंडिया, तैमूर भारत देश में आता है और पूरे भारत देश को लूट कर खंगाल करके चला जाता है। 1398 से 1556 तक
तैमूर भारत देश पर शासन करता है। 1556 में अकबर की एंट्री भारत देश के अंदर होती है, जब 1358 से 1556 तक पूरे भारत को लूटकर तैमूर चला गया होता है, उसके बाद में अकबर आता है भारत देश में 1556 में। आपने देखा औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, बाबर रोड का नाम बदल दिया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, लेकिन अकबर का नाम नहीं बदला है, नहीं बदल सकती सरकार। 1556 में अकबर आता है भारत देश के अंदर, और भारत देश के अंदर आकर वो भारत देश को वापस से बसाने का काम करता है। 1556 से लेकर मैं आपको बता दूं कि वो 16वीं शताब्दी तक जो है पूरे भारत को एस्टेब्लिश करने का काम करता है, और उसके बाद में पूरे भारत को बसाता है। तो अकबर ने इस देश को लूटा नहीं, भारत देश को बसाया है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, आज तक मुगलों की रेवेन्यू पॉलिसी को इस देश की सरकार अपनाती है। क्या है? सिविल सर्विस की परीक्षा, जो मनसबदारी सिस्टम है वही सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जिन मुगलों की बात करती है, तो एक बात मुझे बताइए, औरंगजेब से लड़ाई महाराणा प्रताप ने किससे लड़ाई लड़ी? औरंगजेब को छोड़िए, महाराणा प्रताप ने किससे लड़ाई लड़ी? नरेंद्र मोदी से लड़ी, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लड़ी? ये जो फेसबुकी और व्हाट्सएपिया नेता है ना, इनको कुछ पता है नहीं? सुबह सुबह राजपूतों का भी इतिहास जुड़ा हुआ है, ये बाथरूम में लेकर घुस जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, ये कुतुब मीनार के अमित शाह ने बनाई है? कुतुब मीनार कुतुबद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने नहीं बनाई, शाहजहां किसने बनाया है? शाहजहां नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, किसकी याद में बनवा दिया नरेंद्र मोदी जी ने? बता दीजिए ताजमहल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मोहित शर्मा की वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जिस तरह से किसी एक समुदाय को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला ये ब्राह्मण समाज का लड़का वाकई तारीफ के काबिल है। इसकी बातों में किस हद तक सच्चाई है, ये इस बात की पुष्टि आप लोग करेंगे कमेंट देकर। ये बंदा जो बोलता है, क्या वो बात सही है या गलत है? हम किसी भी सोशल एक्टिविस्ट की बातों की पुष्टि नहीं करते, ये पुष्टि करना आप लोगों का काम होता है। हमारा काम होता है केवल उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना जो देश और समाज में बदलाव चाहते हैं। क्या ये बदलाव सही है या ये बदलाव गलत है, इसको बताने का काम आपका है। फिलहाल वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम नाम से फेसबुक पर भी चैनल मौजूद है, @ShahribKhanAllTypeKnowledge ये फेसबुक का भी हैंडल है। वहाँ पर जाकर आप जब सर्च करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज वहाँ पर आ जाएगा, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी एक वे में काम कर रहा हूँ, किसी एक वे की तरफ अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से किसी एक समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है, कम से कम उसकी आवाज़ को ऊपर लेवल तक तो लेके जा रहा हूँ, कम से कम लोगों की नज़र में तो लेकर आ रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वरना तो अल्लाह की ज़ात बड़ी है, ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा, जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। तो खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना।